दोस्तों वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रसायन ज्ञान पर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरा चैनल खोलें और आपको कोई अच्छी वीडियो ना मिले जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स ना मिलें। तो आज का टॉपिक है हमारे पास क्वांटम नंबर्स। 11th क्लास में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IIT और नीट में भी इनका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज मैं क्वांटम नंबर्स की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको कहीं से भी किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। एक हमारे पास एटम है, एटम के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एटम के अंदर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर हो सकते हैं प्रोटॉन, एटम के अंदर हो सकते हैं न्यूट्रॉन। यू नो, आप लोगों को पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें क्या प्रॉब्लम है इनसे? हमें प्रॉब्लम है कि एक इलेक्ट्रॉन, इसे हम ढूंढने चले हैं अपने घर से, हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस स्थिति में है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस एनर्जी लेवल में घूम रहा है, कहाँ कहाँ किस किस के साथ बॉन्ड बनाता घूम रहा है, मतलब कहाँ कहाँ उसके, और समझ रहे हो आप, कहाँ कहाँ इसके चक्कर चल रहे हैं। तो वो सभी पता लगाना है। तो कुछ ऐसे नंबर्स हमारे पास होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस समय किस एनर्जी लेवल में है, किस ऑर्बिटल में है, या ऑरिएंटेशन क्या है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इन सभी के बारे में जो नंबर हमें बताते हैं, जो नंबर हमारी हेल्प करते हैं टू प्रेडिक्ट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए सबसे पहले आप जाते हैं किसी भी एटम के पास। सपोज आप यहां से चले, सपोज आपको, मुझे आपके घर पहुंचना है, तो मैं आपके घर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपके घर पहुंचा, ये आपका घर, ये आपका, आपके घर के बाहर खड़ा हूं मैं, इसे मैंने नाम दिया ऑर्बिट। अब आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, आपके घर के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, कौन से रूम में हो मुझे नहीं पता, तो मैं पूछूंगा भाई कौन से रूम में है, क्योंकि आपके घर में बहुत सारे रूम्स हैं। तो रूम्स क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या है? आपका घर। ऑर्बिटल क्या है? घर के अंदर रूम, और रूम में आप किस एक्सिस में पड़े हुए हो, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, एक्स वाई में, वाई जेड में, जेड एक्स में, किस एक्सिस में हो, ये होगी सब ऑर्बिटल। तो हमारे पास ऑर्बिटल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, ये सभी चीज़ें होती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किसी ने कहा जी ऑर्बिट में है, मैं पहुँचा ऑर्बिट के पास, ऑर्बिट वाले ने बताया कि अंदर है, ऑर्बिटल में है, मैं ऑर्बिटल में, यानी रूम में पहुंचा। ऑर्बिटल में जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो सब ऑर्बिटल में है। तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का पूरा प्रयास चल रहा है, पूरी की पूरी मेहनत है इलेक्ट्रॉन को। देखो हमारे पास चार टाइप के क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है प्रिंसिपल, स्कूल वाला नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, कभी आप प्रिंसिपल लिख दो गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं, ये LE, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है? ये है हमारे पास एटम, एटम के पास ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन, बहुत सारी ऑर्बिट्स। एक हमारे पास है एटम, एटम के पास हैं बहुत सारी ऑर्बिट्स, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इतनी सारी ऑर्बिट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, तो ये हमें एन बताएगा। हम मैंने कहा एन इज इक्वल टू वन, आप कहोगे ओहो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जस्ट क्लोज है। मैं कहता हूँ एन इज इक्वल टू फाइव, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है एंड हायर एनर्जी लेवल में है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना क्लोज होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्टैक्ट में आते एनर्जी रिलीज हो जाती है, जितना पास आएगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी, यानी लोअर एनर्जी लेवल है। और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो बच्चों
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि यहाँ से अट्रैक्शन कम होता जाता है। क्या कम होता जाता है? अट्रैक्शन कम होता जाता है। तो हमें एन जो होता है, एन ऑर्बिट के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। सेकेंड नेक्स्ट आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मुथल, ठीक है, समझदार। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, एंड ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। सोचो, पहले वाले ने हमें ऑर्बिट यानी घर तक पहुंचा दिया, सेकेंड वाला हमें रूम तक पहुंचा रहा है, यानी ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। ऑर्बिटल के बारे में आप देखो, एल जो होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है, ये बच्चों हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल आपकी चार हो सकती हैं, एस पी डी एफ, ये चार ऑर्बिटल हो सकती हैं। तो एल की जो वैल्यूज होती हैं वो वेराई करती हैं L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ये याद करनी पड़ेंगे आपके, ये ग्रुप थ्योरी से वरना पता लगेगा, वो आपको हायर क्लासेस में पता चल जाएगा। तो आपको जस्ट इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा आप ना जाएं। जानना है तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई है टर्म सिंबल, उसमें जाके देखें, टर्म सिंबल नाम से आपको मिल जाएगी एक वीडियो टर्म सिंबल, ठीक है। उसमें एस पी डी एफ जी एच ये सारे मिल जाएंगे, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है। 11th 12th लेवल पे आपको, आईआईटी लेवल पे उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस से ही आता है। तो आप अभी फिलहाल इसी पे आए। एल की वैल्यू एस के लिए 0, एल की वैल्यू पी के लिए 1, बी के लिए 2, एफ के लिए 3। डन, नोट कर लिया, नोट कर लिया, हटाता हूँ। तो ये याद रखना है, और मैं इन्हें अप्लाई कर करके दिखाता हूँ। देखो, मुझसे कहा फाइंड N and L, values of N and L for 11th electron of sodium. Sodium के 11th electron के लिए N और L की value बताओ, मुझसे ये कहा गया। मैंने कहा दो ही बता देता हूँ, 1s2, 4s2, 2p6, 3s1, ये रहे 11th इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 6, 10, 11th इलेक्ट्रॉन ये आएगा, 2, 4, 6, 10 एंड 1, 11, 11th इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस ऑर्बिटल को निकाल के बाहर रखो, 3s1, जो ये आगे लिखी होती है ये ऑर्बिट होती है, मतलब n की वैल्यू होती है। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और जो s है, s अभी आपको बताया था, l की वैल्यू जो होती है, l की वैल्यू होती है s के लिए 0, L की वैल्यू S के लिए 0 कितनी होती है? तो L की वैल्यू कितनी? 0। तो N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 0, यहाँ से हमें ये पता चलता है। दिख रहा है आपको? और देखो, मैं और एग्जांपल देता हूँ। मुझे दिया 3d1, 4f5, 6s2, मुझे ये तीन डब्बे दिए। मुझसे पूछा इसके लिए n और l की वैल्यू बताओ, इसके लिए n और l की वैल्यू बताओ, इसके लिए n और l, n मतलब कौन सी ऑर्बिट में है, l मतलब किस ऑर्बिटल में है। तो देखो, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d के लिए 0 1 2, l की वैल्यू 4 और l की वैल्यू इसके लिए आएगी 4, 0 1 2 3, सॉरी। इसके लिए देखो, n की वैल्यू आपकी 6 और L की वैल्यू आएगी 0। तो ये N और L की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। बाकी दो वैल्यूज मैं अगली वीडियो में बताता हूँ।